namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Krishnaya vasudevaya. Devaki nandanaya cha. Nandakopa kumaraya. Govindaya namo namaha. He Krishna. Karuna Sindhu. Dina Bandhu Jagatpati. Gopesh Gopika Kanta. Radha Kanta Namostute. Namo Brahmanya Devaya. Go Brahmana Hitaya cha. Jagadhitaya Krishnaya. Govindaya namo namaha. Ta. Tapta Kanchana Gaurangi. Radhe Vrindavaneshwari. Rishabhanu Sute Devi. Pranamami Hari Priye. Namo Maha Vadanyaya. Krishna Prema Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya. Namane Gaur Tvishe Namaha. Nityanandam Aham Navami. Sarvananda Karam Param. Hari Nama Pradam Devam. Avadhuta Shiromanim. Vancha Kalpatarubhyasya. Kripa Sindhubhya Evacha. Patitanam Pavanebhyo. Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nityananda Mantra Shakti.
Gauranga Gaura Gopala Hare Krishna Mahamantre Sarva Jiva Uddharaka Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Nityananda Gauranga Gauranga Dhanyavad To jaise ki main subah pratah kal mein Radha Madhav mandir mein samjha raha tha कि आज नंदोत्सव हमारे गौड़िया वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है. जन्माष्टमी से भी महत्व है नंदोत्सव का. नंदोत्सव की आप बोलेंगे जन्माष्टमी से महत्व क्यों है? क्योंकि भगवान के जन्म से ज्यादा उनकी लीला है. उनका जन्म तो दिव्य है, लेकिन जन्म मथुरा में हुआ और लीला गोकुल में हुई. गोकुल में लीला ले नंद यशोदा मैया ने आज पहली बार कृष्ण को देखा. राधा रानी ने आज पहली बार कृष्ण को देखा. नंद बाबा ने आज पहली बार कृष्ण को देखा. रोहिणी मैया ने आज पहली बार कृष्ण को देखा. दाऊ जी ने आज पहली बार कृष्ण को देखा. तो इसीलिए नंदोत्सव हमारे लिए सबसे महत्व का है, क्योंकि भक्तों के साथ भगवान आज मिले हैं. रात को 12 बजे तो जन्म लिया, लेकिन आज उनका मिलन हो. जैसे यशोदा की नींद खुली, यशोदा ने देखा कि एक नील मणि, एक बहुत सुंदर नील रंग का मणि उनके बाजू में सोया हुआ है. बोलो श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद भगवान की. यशोदा का आनंद हम नहीं वर्णन कर सकते. अनंत शेष नाग भी यशोदा का आनंद वर्णन नहीं कर पाए. यशोराच महाभागा पपौ यस्य स्तनम् हरि. इतनी महापरम भाग्यवान यशोदा, जो पूरी सृष्टि को दूध पिलाते हैं, वो यशोदा का दूध पी रहे हैं. इससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है?
कि जिसके पालन पोषण में पूरी सृष्टि के सब जीव हैं, उनको यशोदा पालन करती है, पोषण करती है। आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है, कैसे संभव है? पूरे सृष्टि के नाथ ऐसे निस्सहाय क्यों हो जाते हैं? अंत में यशोदा भी तो उनकी भक्त ही है। इसका उत्तर यह है कि भगवान अपने भक्तों को अपने से भी बड़ी पदवी देते हैं। हमारा भक्त रो पूजा, भक्त रो पूजा, हमारो भक्त रो पूजा, भक्त रो पूजा, आमी करीबे, आमी करीबे, मैं खुद मेरे भक्तों की पूजा करता हूँ कि उनकी उनकी भक्ति के वश में मैं हो जाता हूँ। ये कोई धर्म में नहीं मिलेगा आपको। दूसरे धर्मों में वो प्रार्थना करते हैं, मुझे रोज का खाना दीजिए, रोज की रोटी रोजी दीजिए, रोज का रोटी कपड़ा और मकान दीजिए। लेकिन हमारे भागवत धर्म में भगवान भक्त से प्रार्थना करते हैं, मुझे दूध दो। भक्त या मेरे माता पिता, भक्त या मेरे गुरु, भक्त तेरे के नाम पंचा। भक्त को अपना माता पिता बनाते हैं और भक्त को गुरु भी स्वीकार करते हैं। भगवान को अच्छा लगता है कृष्ण को अपने भक्तों के ऊपर निर्भर होना, इसको प्रेम कहते हैं। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे अर्थ क्या है? अपने व्यक्तित्व को भूल जाना और कृष्ण की इंद्रिय के लिए संतुष्ट होने के लिए कृष्ण को आनंद देना। यशोदा का जो मातृ प्रेम है उसकी पूरे विश्व में कोई तुलना नहीं, पूरी सृष्टि। यशोदा भिलोलूकलाधावमानम् परामृष्टमत्यन्तम् ततो द्रुत्य गोप्या। कृष्ण किससे डरते हैं बोलिए? भगवान कृष्ण किससे डरते हैं? पूरा विश्व उनसे डरता है। जिसकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। केवल अपनी भ्रिकुटी को हिलाते हैं कृष्ण तो आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। चार प्रकार के प्रलय हैं, अनेक प्रलय हो जाते हैं भगवान की इच्छा से। ऐसे भगवान, ऐसे कृष्ण को मां यशोदा के भय अश्रु बिंदु दृग ढलते दे, आंखों में से आंसू गिर रहे।
अपनी आंखों को यशोदा आ रही है छड़ी लेके, भगवान डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं भगवान? क्योंकि यशोदा के प्रेम से भगवान ये भूल गए कि मैं भगवान हूं। इसको असली प्रेम कहते हैं। जिस प्रेम में भगवान को अपनी भगवत्ता याद रहती है, वैकुंठ का प्रेम, द्वारका का प्रेम, अयोध्या का प्रेम, ये पूर्ण प्रेम नहीं है। पूर्ण प्रेम केवल व्रज भूमि में मिलता है। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, किसी को आनंद नहीं आ रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, सब लोग आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन। खुश उस ब्रज भूमि का भजन करते हैं कृष्ण, उस यशोदा के प्रेम के लिए उत्सुक हो जाते हैं। यशोदा को गुस्सा करना चाहते हैं इसलिए सब मटका तोड़ देते हैं। यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी लेकिन उस चूल्हे में दूध उबल रहा था तो यशोदा ने कृष्ण को अलग रख दिया। जैसे ही अलग रख दिया भगवान गुस्सा हो गए, बोले मैं आप तेरा तुम्हारा दूध पी रहा था और मुझे तुमने रोक। मां अभी तेरे सारे घर का दूध ही मैं मटके ही तोड़ दूंगा। और वो मैया को आनंद आता है कृष्ण की नटखट लीला में, इसलिए रघुनाथ उपाध्याय कहते हैं श्रुतिम अपरे श्रुतिम इतरे। मुझे वेदों के श्लोक से कोई लेना देना नहीं है। मैं भगवान के कोई सब बहुत अवतार आके चले गए उनकी पूजा नहीं करता हूं। तो बोला प्रभु जी आप किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण की? नहीं नहीं नहीं, मैं कृष्ण की भी पूजा नहीं करता हूं। बोले रघुनाथ जी आप किसकी पूजा करते हैं? यस्या लिंदे परब्रह्म, मैं उस यशोदा की पूजा करता हूं जिसके आंगन में परब्रह्म खेल रहा है। क्योंकि वो परब्रह्म भी निस्सहाय बन गया है, मैं उसकी पूजा क्यों करूं? मैं तो भगवान की मां। आप बहुत कम लोगों को पता होगा लेकिन यशोदा का दूसरा नाम देवकी भी है। भागवत वैदिक शास्त्रों में कहा गया देवकी और वसुदेव का प्रेम तो ऐश्वर्य में था क्योंकि उन्होंने 10,000 साल तक नारायण की उपासना की थी, लेकिन द्रोण और धरा ने कृष्ण की उपासना की थी, इसलिए वो नंद और यशोदा बने। इसलिए जैसे ही भगवान ने जन्म लिया भगवान बोले मुझे गोकुल जाना है, उनका प्रेम ज्यादा है। वो प्रेम
हमारे आचार्य कहते हैं कि कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ ही नहीं। आप बोलेंगे कैसे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो राधा कृष्ण की गोपी हैं, वो कहते हैं कि रात को 12 बजे गोलोक धाम से कृष्ण दो रूप में आए। एक रूप में गोकुल में यशोदा से दो संतान प्रकट हुई, एक नंदनंदन कृष्ण और दूसरा योग माया। और दूसरे रूप में मथुरा में वासुदेव कृष्ण का जन्म हुआ, जो नंदनंदन श्याम सुंदर यशोदा नंदन वनमाली बोले उस वनमाली कृष्ण का जन्म कभी भी मथुरा में नहीं होता है, क्योंकि वृंदावन को छोड़ के वो जाते ही नहीं है। जन्म कैसे होगा? वृंदावन रोमाली माली 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 माली। तो आप पूछेंगे वो दो कृष्ण थे, वो एक कैसे हो गए? जब यशोदा सो रही थी, वसुदेव जी आए और उनकी टोपरी में वासुदेव कृष्ण है, वो नंदनंदन कृष्ण में समा गए और उसी को जन्माष्टमी कहते हैं। वो दो कृष्ण एक हो। महातिथि महातिथि जगमाया रात को 12 बजे वासुदेव कृष्ण ने देवकी वसुदेव को सुख भी दिया और दुख भी दिया, लेकिन नंदोत्सव के दिन में कृष्ण ने केवल सुख ही सुख दिया है। कौन सी तिथि बड़ी है? नंदोज। इसमें आनंद ही आनंद है। नंद घरानंद भयो नंद महाराज के कोने कोने में नंद भवन के सब जीवों को आनंद मिला। कृष्ण के आने से सब जीव भाव विभोर हो गए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब कोई बोल नहीं रहा है। नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की।
दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी, घोड़ा दियो और दियो पालकी, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी, ब्राह्मण को दान दियो जय हो नंद लाल की, ब्राह्मण को दान दियो जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे 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 राम और इसी नंदोत्सव के दिन पर राधा रानी रावल से आई और कृष्ण से अपना अश्रु का मिलन किया और इसी नंदोत्सव के दिन में कृष्ण बलराम चिंता करने लगे कि इस कलयुग में पाश्चात्य देशों में मेरा नाम कैसे फैलेगा। तो इसी कलयुग में भगवान ने अपने पार्षद अपने परम भक्त को भेजा कृष्ण नाम का प्रचार पूरे विश्व में करने के लिए। बोलो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। जिस 1896 में हमारे परम गुरुदेव भक्ति विनोद ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु का सबसे पहला ग्रंथ अमेरिका में भेजा लिख के, अमेरिका की लाइब्रेरी में सबसे पहला चैतन्य महाप्रभु का प्रचार ये समुद्र के पार 1896 में चालू हुआ। और उसी साल में भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती की प्रार्थना कृष्ण बलराम ने सुन लिया और अपने भक्त को भेज दिया। बोलो प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी का आविर्भाव भी 1896 में हुआ और उनका तिरोभाव 1977 में हुआ। 81 साल तक उन्होंने इस भूमि पे लीला किया और उनके सब कार्य
केवल भगवान कृष्ण का नाम सबको देने के लिए है। जब वो छोटे से बालक थे तो पिताजी को कहा, मुझे जगन्नाथ का रथ बनाना है, मैं एक गलियों में, कलकत्ता की गलियों में जगन्नाथ का रथ खींचना चाहता हूं, ताकि दूसरे लोग ये रथ को देख के भी कृष्ण का नाम लेंगे। जब से वो छोटे से बालक थे तब से वो दूसरों को प्रचार करना चाहते थे। ये प्रचार का भाव होना चाहिए। आप में से किसके अंदर है प्रचार का भाव? दूसरों को कौन बताता है कृष्ण नाम के बारे में? जो नहीं बताता है वो आज से शुरू कीजिए। आज प्रभुपाद जी का आविर्भाव है। आप प्रचार नहीं करेंगे तो प्रभुपाद जी प्रसन्न कैसे होंगे? भावे भावे जार देखो तारे कहो तारे को कृष्ण उपदे आमरो आज्ञाए गुरु हना तारे दे आप प्रचार नहीं करेंगे तो कल्याण का कल्याण कौन करेगा? पहली बात तो कल्याण में वैष्णव बहुत कम है। अभी दही हंडी का उत्सव मना रहे लेकिन डिस्को डांस सुन रहे हैं। पता नहीं वो मटकी तोड़ने के टाइम किसका चिंतन करते हैं, कृष्ण का या? तो टाका 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 तो कृष्ण के भक्त बहुत दुर्लभ हैं, तो कृष्ण के भक्तों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। तो पृथ्वी का भार हल्का होगा। हर भक्त अगर सत्संग में और दो भक्तों को लाएगा, और दो जीवों को, तो ये हॉल भी कम पड़ेगा। प्रभुपाद जी कोई भी गुरु से मिलना नहीं चाहते थे। उनका नाम था अभय चरण डे, गौरमोहन डे उनके पिताजी का नाम था। कोई भी साधु घर पे आता था, उनके पिताजी कहते थे, मेरे पुत्र के मस्तक पे हाथ रखो कि वह राधा रानी का परम भक्त हो। लेकिन नरेंद्रनाथ उनका मित्र, उसने अभय चरण को कहा, अरे देखो सब साधुओं में से सबसे शक्तिशाली साधु कलकत्ता में आए हुए हैं, नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, वो हमेशा सीधे बैठते हैं, श्रुति धर हैं, वो जो पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं, और महाज्योतिष हैं। केवल आपके मुख को देखने से बता सकते हैं आप कितने साल जीने वाले हैं। और पूरे भारत में उनके 64 मठ हैं, गौड़िया मठ, उनके हजारों सन्यासी शिष्य हैं। और जब उनका जन्म हुआ था तो जगन्नाथ का रथ ही रुक गया था। मोर सेनापति भक्तो जाइबे तथाए पापीर हृदय पापीर उखाड़िया फेर
जो सदगुरु होता है ना वो डॉक्टर होता है. क्या होता है? डॉक्टर. मतलब वैसा डॉक्टर नहीं, वो अपने शिष्य के हृदय का ऑपरेशन करता है. सत्संग में और काम क्रोध लोभ मोह जो पाप वो दूर भगा देता है अपनी वाणी से. अपने शब्द से, शब्द ब्रह्मणि निष्णा न निष्णाते परि यदि अवैष्णवो गुरुर्न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरुः. किसने पिछले जन्म में कुत्ते का मांस खाया है, मतलब इसी जन्म में, लेकिन वो वैष्णव बन गया, कृष्ण का नाम लेने लगा, तो वो भी गुरु बन सकता है. तो आप सब क्यों नहीं बन सकते? आप में से तो किसी ने कुत्ते का मांस नहीं खाया होगा. ऐसी चिंता मत कीजिए, मैं आपको दीक्षा गुरु बनने के लिए नहीं कह रहा हूं. भगवान ने सब जीवों को कहा गुरु बनो, उसका मतलब है पथ प्रदर्शक गुरु बनो. आप सब दीक्षा तो नहीं दे सकते क्योंकि उसके लिए पहले साक्षात्कार चाहिए नाम में. नाम का भिखारी दूसरे को क्या नाम दे सकता है? आमी तो कंगा, आमी तो कंगा, कृष्ण कृष्ण बोली, कृष्ण कृष्ण बोली, दाई तब पाचे पाचे, दाई तब पाचे पाचे, आमी तो कंगा लो कृष्ण बोली. असली सदगुरु की कृपा कब मिलती है? जब हम जानेंगे कि मैं कंगाल हूं, मैं कुछ नहीं जानता. उस भाव से गुरु के पास जाना चाहिए. प्रभुपाद जी सोचते थे कि ये बहुत सब गुरु हैं आजकल, नकली पाखंडी गुरु हैं, मैं किसी से नहीं मिलता हूं, ये कौन आया है कलकत्ता में? नरेंद्र नाथ ने बोला एक बार तो आओ, ये गुरु दूसरे जैसा नहीं है, शुद्ध परम वैष्णव है. दर्शनी पवित्र करो, ए तुम्हार गुण, इनके दर्शन से ही आप पवित्र हो जाओगे. चलो अभय चरण, चलो मेरे साथ. तो अपने मित्र की बात रखने के लिए प्रभुपाद जी अल्टाडंग जंक्शन में कलकत्ता में गए अपने गुरुजी, मतलब वो साधु से मिलने के लिए. और उस समय में, उस हॉल में श्री श्रीमद् ओम विष्णुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनको भी प्रभुपाद कहते हैं, वो चैतन्य चरितामृत की कथा कह रहे थे, गौर लीला कह रहे थे. प्रभुपाद भी सबसे पहले चैतन्य चरितामृत सुन के भक्त बने, और मैं भी आईआईटी में सबसे पहले प्रभुपाद की चैतन्य चरितामृत पढ़ के भक्त बने. हरी
और प्रभुपाद जी अमेरिका में जाके उस दुकान को खरीद के मैचलेस गिफ्ट में वहां बैठ के पहली कथा उन्होंने चैतन्य चरितामृत की। क्योंकि कलयुग में गौरांग की लीला जो नहीं समझेगा वो कृष्ण लीला कभी नहीं समझ सकता है, वो अधिकार नहीं है उसका। कली जीवेर योग्य वस्तु योग्य वस्तु गौर लीला धन गौर लीला धन। कभी कभी पीछे बोलिए, बंगाली तो बहुत सरल भाषा है। गौर लीला धन गौर लीला धन। ये कली जीवों के लिए सबसे योग्य वस्तु, बिना मूल्य बिना भागवत पढ़ने के लिए परमहंस चाहिए, नहीं तो गोपियों की लीला सुन के वो अपराध करेगा कृष्ण के प्रति। इसलिए भगवान कलयुग में आके अपनी गौर लीला दिया, कोई भी सुने किसी भी भाव से सुने। चैतन्य भागवत सुने पाखंडी शेई महावैष्णव शेई महावैष्णव हाय ततख जो चैतन्य भागवत गौरांग की लीला सुनता है वो खुर्ची पे बैठे बैठे उसी क्षण महावैष्णव बन जाता है। सॉरी, कई भक्त नीचे भी बैठे हैं, नीचे बैठो या कुर्सी पे बैठो लेकिन गौर लीला सुनो। एक क्षण में ऐसा चुप्पी बजाने में महावैष्णव कौन होना चाहता है? हाँ, तो फिर आप सबको दंडवत मुझे भी करना पड़ेगा। महावैष्णव हो ततख। उसी क्षण जब पहले मैंने ये श्लोक पढ़ा तो मेरा दिमाग घूमने लगा। एक महावैष्णव बनने के लिए इतना जन्म लगता है, इतना माला करना पड़ता है, इतना भजन करना पड़ता है, और ये तो गौरांग की लीला चैतन्य भागवत सुनने से उसी क्षण और कौन पाखंडी लोग जो सत्संग में भी नहीं आते हैं, दांभिकता से आते हैं और जो गाय का मांस खाते हैं वो भी गौरांग की लीला सुनने से। महावैष्णव तो इसलिए प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में लिखा है, नमस्ते सारस्वते देवे सारस्वत का अर्थ है सरस्वती ठाकुर। प्रभुपाद जो अपने गुरुजी को पहले मिले कलकत्ता में और जैसे ही वो अभय चरण जी ने उस हॉल में प्रवेश किया, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद हंसने लगे, बोले मेरा शिष्य आ गया। वो प्रभुपाद जी ने खादी पहना हुआ था, ये खादी होता है ना, गांधी जी का टोपी पहना हुआ था और खादी का जैकेट गांधी जी को फॉलो करते थे प्रभुपाद जी। तो कथा के बाद भक्त तुमको बोल रहा हूं, मुझे
क्या बोलना चाहते हैं? तुमको चैतन्य महाप्रभु का संदेश अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में फैलाना है। पहली बार देखा और जीवन का मिशन दे दिया, ऐसा कोई होता है कभी? और प्रभुपाद जी बड़े ही बुद्धिमान थे, तो प्रभुपाद जी ने बोला, अरे अभी तो हमारा देश परतंत्र है, अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ है। ये हमारे परतंत्र देश का संदेश कौन सुनेगा पाश्चात्य देशों में? पहले देश को आजाद कराना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद हंसने लगे। कृष्ण भक्ति का प्रचार कभी रुकता नहीं। देश में कोई राजा हो, कोई भी राजा हो, चिंता नहीं, चिंता नहीं। आज अंग्रेजों ने राज बनाया है, कल दूसरे लोग आके हमारे देश पे करेंगे और हम लोग ही अपने देश को लूट लेंगे। तो ये देश की कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी देश हो, वैष्णवों को उससे कोई लेना देना नहीं है। वैष्णवों को ये चाहिए, सब जीवों को कृष्ण का नाम देना, क्योंकि कृष्ण का नाम का प्रचार किसी पॉलिटिक्स के ऊपर निर्भर नहीं है। हर एक जीव आत्मा है, बल्कि उस टाइम में अंग्रेजों ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सहायता किया कृष्ण भक्ति के प्रचार में। जॉन एंडरसन आके बैठ जाते थे कथा में, तो इसीलिए कोई भी जीवन में संकट आए, कोई भी बाधा आए, या हमारे देश में कोई भी परिवर्तन हो, पृथ्वी पे कोई भी परिवर्तन हो, लेकिन आप जिसको देखते हो उसको कृष्ण के बारे में बताएं। जार देखो तारो कहो, कृष्ण उपदेश, कृष्ण उपदेश। आपके एक शब्द से उसका जीवन बदल सकता है। वो नरक में जा रहा है, लेकिन आपने उसको एक कुछ कार्ड दिया। मैं आपके लिए कार्ड लाया हूं, आज आप सबको बांट सकते हैं। एक छोटे कार्ड में सब कुछ है, पूरे मंत्र भी दिए गए हैं, सब संस्कृत में, अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। मंत्र को लिखना है कैसे, वो भी दिया गया है। मंत्र को सांस कैसे लेना है, सांसों में भी कैसे जप करना है, वो भी कार्ड में दिया गया है। और पीछे हमारे सब गुरुओं का फोटो दिया गया है। सब आश्रम, मायापुर आश्रम, जगन्नाथपुरी आश्रम और राधाकुंड आश्रम का चित्र दिया गया है। सब हमारे वेब सत्संग के वीडियो, 1500 वीडियो भी के लिंक दिया गया है। छोटा काटे कोटि कोटि नाम, कोटि कोटि नाम, कोटि कोटि। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं लिफ्ट में जा रहा था किसी भक्त के साथ, तो कोई नया आदमी आया लिफ्ट में, मैंने तुरंत कार्ड निकाल के दिया। तो दूसरे दिन वही भक्त व्हाट्सएप में आ गया, और वही भक्त हमारा फोटो देख रहा है, कीर्तन सुन रहा है, कथा सुन रहा है। आजकल कितना आसान हो गया है। हाँ, तो ये ऐसा अवसर भूलिए मत। मुंबई की लोकल ट्रेन में आप किसी जीव को देखेंगे तो संभावना ये है
कि उस व्यक्ति को आपके पूर्ण जीवन में वापस नहीं देखने वाले है कि नहीं। मुंबई में कितने लाख लोग हैं मुझे तो पता नहीं, कितने समय से मैंने मुंबई छोड़ दिया। तो हर एक जीव को कुछ न कुछ भगवान का भेंट दीजिए। और जब हम कष्ट उठाते हैं भगवान का नाम दूसरों को देने के लिए, तो भगवान हमें गोलोक में ले जाने के लिए कष्ट उठाते हैं। अठारहवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो दूसरों को देता है, नमे भक्ता प्रियो भुवि, वो सबसे मेरा प्रिय भक्त है। तो प्रभुपाद जी का पूरा जीवन ये प्रचार में गया है। उन्होंने गुरु की आज्ञा को कभी नहीं भूला। गुरु जी ने बोला मुझे पाश्चात्य देशों में जाना है, तो वो बूढ़े हो गए तो भी अमेरिका में जाने की इच्छा रखते थे। तभी एरोप्लेन में जाने की उनके पास पैसा नहीं था, तो वो सुमति मुरारजी के पास आके बैठ गए, बोले मुझे नौका में एक टिकट दे दो। और उस नौका में प्रभुपाद जी को दो हार्ट अटैक हो गए, दूसरा कोई होता तो वापस आ जाता। और उस नौका में प्रभुपाद जी ने भगवान को प्रार्थना किया, हे कृष्ण। मार्की ने भागवत धर्म का ग्रंथ लिखा, और उस नौका में प्रभुपाद जी की मुरली सुनाई दी, कृष्ण की मुरली प्रभुपाद को सुनाई दिया। और कृष्ण ने आश्वासन दिया, बोले प्रभुपाद आप जा रहे हो लेकिन आप अकेले नहीं, मैं आपके साथ। जो छह गोस्वामियों ने भी उनको दर्शन दिया, रूप गोस्वामी ने बोला प्रभुपाद हम आपके साथ। जो कृष्ण का प्रचार करना चाहता है ना, उसको सहयोग सब दिशाओं से आ जाता है। हमारे आचार्य सहयोग करते हैं, भगवान सहयोग करते हैं, नित्यानंद प्रभु सहयोग करते हैं। और प्रभुपाद जी को इतना सहयोग क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया। रोज 10 बजे सोते थे, 12 बजे उठ जाते थे और अपना ग्रंथ लिखते थे। 6 बजे के बाद जाके जीवों को प्रचार करते थे, पार्क में बैठ के कीर्तन करते थे। एक मिनट भी वो कृष्ण के अलावा नहीं बिताते थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको छप्पड़ फाड़ के दिया, लो भाव भक्ति का ये लक्षण है कि जो भक्त को कृष्ण के प्रति भाव हुआ है वो एक क्षण भी नहीं बिताता है कृष्ण के बिना। वो खुद कृष्ण का भजन करता है और दूसरे समय में दूसरों को कृष्ण का नाम देता है। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्णेर संसार को छाड़ी अनाचा। तो वही प्रभुपाद जी का आज आविर्भाव है। आचार्य कभी मरते नहीं है, वो इस धराधाम में आके जीवों का उद्धार कर देते हैं और फिर अपनी वाणी को छोड़ जाते हैं, और वाणी के रूप में वो हमेशा जीते हैं। अभी भी प्रभुपाद जी की गीता जो पढ़ेगा वो प्रभुपाद जी का संग कर सकता है। प्रभुपाद जी का संग करना मुश्किल नहीं है, खाली गीता खोल के आप पढ़िए तो आप डायरेक्ट प्रभुपाद का संग कर रहे हैं।
इसको वाणी कहते हैं, वाणी और वपु। वपु में तो हमें संग नहीं मिला, प्रभुपाद जी चले गए। वपु मतलब साक्षात, साक्षात तो हमें कृष्ण भगवान का भी संग नहीं मिला है, अर्जुन का भी संग नहीं मिला है, लेकिन गीता पढ़ने से हम कृष्ण का संग कर सकते हैं। इसीलिए कहा है कि कलयुग में ये ग्रंथ बहुत महत्व है। मैं जानता हूं आजकल कोई नहीं पढ़ता है, कौन पढ़ता है, हाथ ऊपर कीजिए रोज। कृपा करके, ये कृष्ण का स्वरूप है। माया मुग्ध जीवे नाहि स्वतो कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण। जीवेर कृपाय कृष्ण कृष्ण कैल वेद पुराण। ये कृष्ण की कृपा है कि अपने आप हमें कोई ज्ञान नहीं हो सकता। खाली खाट में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के खाली सोचने से कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि हम माया में मुग्ध हैं। हमारे लिए ये वेद पुराण भगवान ने किए है, और आचार्य आते हैं और ये वेद पुराण हमको सरल भाषा में देते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा योगदान उनके ग्रंथ हैं और हरि नाम है। हरि नाम में उनको इतना विश्वास था कि वो पार्क में जाके बैठे, वहां सब हिप्पी लोग थे, उनको डर नहीं लगा, अकेले थे, बूढ़े थे, वो वहां बैठ गए और करताल, केवल उनके हाथ में करताल था और वो कीर्तन करने लगे। और उनका ये ट्यून बहुत फेमस है, आप सब लोग जानते हैं, इसको स्वामी ट्यून कहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी का संन्यास का नाम था स्वामी महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। जो संन्यास में जो दूसरा नाम होता है वो 108 उपनिषदों में 108 नामों में से दिया जाता है। जैसे मेरा नाम है साधु महाराज, साधु, प्रभुपाद जी का स्वामी महाराज। पहला पदवी है भक्ति वेदांत, ये पद पदवी होता है, और दूसरा नाम है वो उपनिषदों में से एक, 108 नाम में से एक होता है। तो उनका नाम था भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी गोलोक धाम से आए थे, मेरा भी साक्षात्कार यही है। लोग बार बार पूछते हैं प्रभुपाद कौन है, तो मैं तो जब प्रभुपाद का नाम लेता हूं तो मुझे कृष्ण बलराम का दर्शन होता है। इसलिए मेरा अनुभव यह है कि प्रभुपाद गोलोक धाम से आए वो सख्य भाव में। जय गुरु श्री कृष्ण। कृष्ण के सखा होने के कारण उन्होंने कृष्ण बलराम की स्थापना किया रमण रेती में। कहां? जहां कृष्ण बलराम की कुश्ती होती है, उस रमण रेती में उन्होंने कृष्ण बलराम की स्थापना। लेकिन आप पूछेंगे कि भगवान के सखा हैं प्रभुपाद, तो प्रभुपाद जय राधा माधव कुंज विहारी क्यों गाते हैं? राधा कृष्ण की स्थापना क्यों की उन्होंने? इसका कारण यह है कि भगवान के सखाओं में चार प्रकार के सखा होते हैं।
प्रिया सखा सुरित सखा प्रियतर सखा और प्रिय नरम सखा, जो प्रिय नरम सखा होते हैं वो कृष्ण बलराम की लीलाओं में भी रहते हैं और राधा कृष्ण की लीलाओं में भी रहते हैं। ये बड़ा गुप्त तत्व है, आप बाहर जाके किसी को बताइएगा मत, क्योंकि ये कोई मानेगा नहीं। तो प्रभुपाद जी भगवान के पार्षद हैं, बस ठीक है उतना मान लीजिए। एक बार प्रभुपाद जी दाढ़ी पे हाथ रख के बैठे थे, सब शिष्यों ने पूछा प्रभुपाद जी आप क्या सोच रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला मैं कृष्ण के नाश्ते के डब्बे में क्या है वो सोच रहा हूं। जो कृष्ण के सखा हैं वो अपने अपने नाश्ते का डब्बा लेके जाते हैं, अपनी मां ने बनाया है वो कृष्ण को खिलाते हैं। दूसरे प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, एक सखा थे, उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी, रोज 3 लाख नाम लेते थे पावन सरोवर में। वो आते थे प्रभुपाद को मिलने के लिए तो दोनों एक दूसरे को थावड़ते थे पीठ पे, जैसे दोनों सखा साथ में मिल गए। और जब नौका में जलदूत में अमेरिका जा रहे थे तो प्रभुपाद जी ने लिखा कबे जाई आमी झटा पोटी, कबे खाए आमी लुटा पुटी, कृष्ण बलराम मेरो संगे, कृष्ण बलराम मेरो संगे। प्रभुपाद जी ने लिखा कि कभी मैं वो गोपाल के साथ झटापटी खेलूंगा, कभी मैं लुपा छुपी खेलूंगा। तो ये सब भाव प्रभुपाद जी भगवान के पार्षद हैं, वो अपना प्रेम छुपा नहीं सकते हैं। भगवान के प्रति उनका नित्य आकर्षण है। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद आज्ञा को पालन करना चाहता है उसके स्वप्न में बार बार गुरु जी आते हैं। प्रभुपाद जी के स्वप्न में बार बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती आते थे, अरे जाओ तुमने मुझे वचन दिया है, जाओ मेरी आज्ञा को पालन करो, जाओ विदेशों में। तो जिसको नाम में विश्वास है वो पर्वत को भी हिला सकता है।
कृष्ण नाम मोर जीवने सर्वस्व धाम कृष्ण नाम कहिले आमार सर्व कर्म कृत हो मैं भगवान का नाम लेता हूं तो भगवान मेरा बेड़ा पार करे ये विश्वास जिसको होता है वो दूसरे को भी कृष्ण नाम दे सकता तो इसीलिए ये नाम के बल पे ही प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया नाम उनके पास और कुछ नहीं था नाम था और 200 भागवत की कॉपियां थी नाम भगवान और ग्रंथ भगवान इनका दोनों का प्रचार हमें करना चाहिए नमो 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 हमारा भी पहला ग्रंथ छपा है कहां लाए पहला ग्रंथ छप गया है जो पूरे रंग बिरंगी चित्रों के साथ कलयुग के गूढ़ रहस्य गूढ़ श्लोक उसमें बताए गए हैं वो जल्दी ही हिंदी भाषा में एक हफ्ते में छपने वाला है तो मैं आप सबके लिए कल्याण में भेज दूंगा आप सब अपनी अपनी कॉपियां प्राप्त कीजिएगा सुंदर सुंदर लीला चित्र हरेक चित्र के साथ कलयुग का सबसे मर्ममयी श्लोक दिया गया है और हरेक श्लोक को रंगों से बताया गया रंग लाल रंग गुलाबी रंग और हरेक श्लोक का अर्थ नीचे जो श्लोक का रंग है वही उसके अनुवाद में भी वही रंग दिया गया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मूल श्लोक का सार क्या है वैसे 64 श्लोक हैं हम 64 माला करते हैं 64 श्लोक है एक एक माला के ऊपर आप एक एक श्लोक का ध्यान कर सकते और इन सब श्लोक में कलयुग का अंतिम सार बताया गया अभी अंग्रेजी भाषा में है जल्दी आप प्रार्थना कीजिए निताय की कृपा से हिंदी में जरूर हो जाएगा तो मेरी इच्छा है आप सब इस श्लोक में से कोई एक दो श्लोक तो याद कीजिए क्योंकि एक एक श्लोक है ये प्रचार के लिए बहुत महत्व का है लोगों को ये कलयुग का रहस्य खोल के बताने के लिए बहुत ही महत्व है निताय चैतन्य बोली जय जीव डाके सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषयता के भयंकर श्लोक कलयुग का जो एक बार निताई चैतन्य बोलता है निताई गौरांग तो कृष्ण का प्रेम उसको ढूंढते हुए आता है और वो प्रेम उसको पकड़ लेता है और उसको जीवन में आनंद हो जाता है कितना महत्व का श्लोक और ये श्लोक पढ़ के तो मैंने सन्यास ले लिया ये आखिरी श्लोक में बताऊंगा फिर अभिषेक होगा सबको लेट हो रहा है लेकिन सब कथा सुन नहीं आए हैं दूर दूर से आए हैं तो ये श्लोक को पढ़ के मेरी आंख खुल गई भक्ति विनोद ठाकुर को मैं अपना सबसे बड़ा शिक्षा गुरु मानता हूं क्योंकि ये श्लोक से उन्होंने मेरी आंख को खोल दिया ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम्
मैं श्री गुरु। ये श्लोक मैं कहता हूं, मेरे पीछे दोहराइए। कली जीवेरो अपराध, असंख्य दुर्वार, गौर नाम विनाता नाही उद्धार। कलयुग में हम प्रतिक्षण अपराध कर रहे हैं। अपराधों का ये युग है कलयुग। कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एक महान गुण। दोषों के सागर में एक महान गुण है कि भगवान कृष्ण इस कलयुग में स्वयं आए हुए हैं। और केवल अकेले नहीं आए, अपना नाम लेके आए हैं। और इसीलिए ये श्लोक में कहा है कि जिसको भी हरे कृष्ण मंत्र आपको देना है, उसके पहले उसको गौरांग का नाम दीजिए, उसके बाद उसके मुख से हरि नाम निकलेगा। भज गौरांग कह गौरांग, Thank you.
किसी को कोई प्रश्न है, पूछना चाहता है, हमारे माइक का वायर लंबा है, आप तक पहुंच सकता है, कोई प्रश्न पूछना चाहता है आज नंदोत्सव में,